तो देखो यार आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक लैम्प टोस्टर और वाटर फिल्टर की आपकी यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखी है वहीं पे आपसे पूछ रखा है कि आपकी एक यहाँ पे इन्होंने एक इलेक्ट्रिक आयरन भी यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो उसका रेजिस्टेंस दिया नहीं है ये पूछ रहे हैं कि इसका आप मेरे को रजिस्टेंस बता दो ठीक है और पूछ रखा है ना कि ये करेंट कितना ले रहा है और उसके पहले हमसे एक और चीज़ दे रखा है हमारा आंसर भी इसी में दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक लैंप टोस्टर और वाटर फिल्टर जितनी करंट ले रही है तीनों का सम जो करंट है ना तीनों जितना करंट ले रही है वो अकेले आपकी इलेक्ट्रिक आयरन ले रही है यहाँ पे ठीक है तो हमारा आंसर भी दिया है कैसे दिया है क्योंकि देखो यार हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक uh, लैंप के लिए ले निकाल लेंगे टोस्टर के लिए ले निकाल लेंगे और वाटर फिल्टर के लिए निकाल लेंगे तीनों का अलग अलग करंट निकाल के ऐड करके सीधा बोल देंगे कि भाई हाँ यही आपके इलेक्ट्रिक आयरन भी ले रही है सम करके बस हमें क्वेश्चन में यही एक तरह से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि हाँ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे इस इलेक्ट्रिक आयरन का ठीक है तो चलो निकालते हैं हम लोग ओम ओम्सलॉ जानते हैं ओम ओम्सलॉ का एक फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू आई आर और क्योंकि हमें यहाँ पर करंट निकालना है तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा ठीक है हम यहाँ पे एक और चीज मान लेते हैं ना कि जो इलेक्ट्रिक लैम्प है वो उस वो कुछ आई वन करंट ले रही होगी ठीक है टोस्टर कुछ आई टू करंट ले रही होगी वाटर फिल्टर कुछ आई थ्री करंट ले रही होगी ठीक है सर्किट से इसे अलग अलग हम निकाल लेते हैं आई वन करेंट कौन ले रही है आपकी इलेक्ट्रिक लैम्प तो सीधा आई इज इक्वल टू हम वी बाई आर लगाएंगे तो वी आपकी दे रखी है टू ट्वेंटी और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितनी है आपकी इलेक्ट्रिक uh, लैम्प की तो आप देखो यहाँ पे आपकी दे रखी है हंड्रेड तो हमने क्या लिखा टू ट्वेंटी यानी कि वी डिवाइडेड बाई आर कितनी है आपकी हंड्रेड तो हमें क्या मिला यहाँ पे टू पॉइंट टू एम पी एर ठीक है थीके? चलो अब हम क्या करते हैं यहाँ से आई टू निकालते हैं जब आप आई टू निकालोगे तो आई टू किसके लिए है टोस्टर के लिए तो टोस्टर के लिए निकालोगे तो वी बाई आर फिर से तो V इसके लिए भी हमारा 220 और रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है हमारी टोस्टर की 50 तो हम क्या करेंगे 220 ट्वेंटी बाई फिफ्टी देन वॉट वी गेट फोर पॉइंट ठीक है अब हम क्या करते हैं I3 निकालते हैं I3 किसके लिए करंट है वाटर फिल्टर जितनी करंट सर्किट से विड्रॉ करी है वो I3 है तो I3 थ्री इन फिल्टर विच इज इक्वल टू वी बाई आर तो V के जगह हमने क्या लिखा 220 ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फाइव हंड्रेड जो कि आपकी रेजिस्टेंस है फिल्टर की तो हमें क्या मिला यहाँ पे करंट 0.44 पॉइंट अब हम क्या करेंगे क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में दे रखा है कि इलेक्ट्रिक आयरन इन तीनों का जितना इन तीनों ये तीनों जितना करंट ले रहे हैं ना इन तीनों का सम इलेक्ट्रिक आयरन करंट ले रही है तो हम क्या करेंगे ऐड करके बोल देंगे कि भाई इलेक्ट्रिक आयरन इतनी करंट ले रही है ठीक है तो चलो ऐड करते हैं तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री hmm. तो लिख देते हैं यार टू पॉइंट टू प्लस फोर पॉइंट फोर एंड प्लस ऑफ जीरो पॉइंट फोर फोर तो आप जब इससे सॉल्व करोगे तो व्हाट वी गेट सेवन पॉइंट रही होगी ठीक है तो हमारा एक आंसर आ गया यहां से दूसरा आंसर के लिए हमें क्या पूछ रखा है कि इलेक्ट्रिक आयरन का मुझे रेजिस्टेंस बता दो तो हम लोग फिर से लगाएंगे यार एक बार लेकिन इस बार हम रेजिस्टेंस निकालना है तो थोड़ा सा आर की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग बताओ यहां से। यहां पे आप देखो आर की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई आई हो जाएगा तो हमने क्या लिखा है क्योंकि हमें आयरन का निकालना है तो हमने लिखा रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज इक्वल टू वी बाई आई अब वी हमें तो दे रखा है सबके लिए सेम होगा ऑब्वियसली तो वी कितना है टू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई करंट कितना है करंट देखो अभी हमने जस्ट निकाला इलेक्ट्रिक आयरन के लिए कितना सेवन पॉइंट जीरो फोर तो हमने क्या लिखा आई की जगह सेवन पॉइंट जीरो फोर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ आयरन आपको मिलेगा थर्टी वन पॉइंट टू फोर ओम ठीक है तो काफी सिंपल था यार ध्यान रखें यार लाइक ये फार्मूले का बस फार्मूला पुटिंग एक तरह से ये सवाल है ठीक है और आपके जो भी लाइक क्वेश्चन है एनसीआर के तो आपको यार इस चैनल पे मिल जाएंगे तो आप देख सकते हैं ओके और यार आपको लाइक जो आपके डेरिवेशंस भी बहुत सारे हैं आपको इस वीडियो चैनल पे मिल जाएंगे